सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ GTA San Andreas के लिए फर्स्ट पर्सन फॉर यूर एंड्रॉइड डिवाइस। ठीक है, इस मोडपैक के अंदर बेसिकली आप अपने गेम के अंदर अपनी कार्स को एक अलग ही एक्सपीरियंस के साथ चला सकते हो। जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो कि किस तरीके से इस कार को मैं FPP के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा GTA का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है। आपको पता है GTA के अंदर हम नॉर्मल कार्स चलाते ही हैं, बट अगर हम अपने GTA San Andreas के अंदर अगर FPP को अगर स्विच कर ले तो कितना ही ऑसम लगे, जैसा कि GTA 5 के अंदर होता है। ठीक है, आज की ये वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको जो है अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। आज की ये वीडियो में अगर आपको ये वाला मॉड चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको इश्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, एंड जो इंस्टॉलेशन मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखना। और अगर आपको इंस्टॉलेशन समझ में नहीं आता है तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से इंस्टॉलेशन समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। इससे ये होगा कि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूंगा या फिर न्यू मोड अपलोड करूंगा तो उसकी जो नोटिफिकेशन रहेगी आपके पास जल्दी से आ जाएगी। ठीक है, और आप उस मोड को जो है अपनी गेम में इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी नया मोड में अपलोड करूं। ठीक है, एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड रहो चैनल के साथ, क्योंकि आगे धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे मोड्स आने वाले चैनल पे। एंड जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे मैं मोड्स अपलोड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे मोड्स अपलोड कर रहा हूँ, आगे इससे भी अच्छे वाले मोड्स आने वाले, रिमास्टर्ड वर्जन वाले, लाइक ग्राफिक्स मोड, बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले मोड्स आपको आगे मिलने वाले इस चैनल के अंदर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप मोड्स में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे जैसा कि आप गेम प्ले में देख सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि गेम प्ले के अंदर किस तरीके से हम अपनी जो कार से बेसिकली उनको FPP में स्विच कर दे रहे हैं, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो आई थिंक काफी लोग इस चीज को देख करके अपने गेम के अंदर भी इस चीज को ट्राई जरूर करेंगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में जाना, सबसे पहले जाओ और वहां पे फाइल का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लो, एंड आके यहाँ पे प्रोसेस देख लो इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, उसके बाद में आप अपनी गेम में जाकर के इसे ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर, सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी, फर्स्ट पर्सन driving.zip नाम की, यहाँ पे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करो, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको पता ही होगा क्या है अपना पासवर्ड। पासवर्ड बेसिकली बाय सेफ्रोन रहेगा, जो कि पूरा स्मॉल में रहेगा। ठीक है, डन करके ओके कर दो। सिंपल से यहाँ पे आप पासवर्ड देख सकते हो, ये पासवर्ड लगाना। उसके बाद में आपको एक सिंपल सी फाइल मिलेगी, उस फाइल को यहाँ पे आप कॉपी कर जो करना चाहो कर लो, कट कर लो, एंड उसके बाद में बैक आओ, एंड्रॉइड खोलो, डाटा खोलो। डाटा खोलने के बाद आपको फोल्डर ओपन करना है GTA San Andreas का। GTA San Andreas का ये फोल्डर ओपन करने के बाद में आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, इसलिए ये रिप्लेस बोल रहा है, बाकी आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद में आप अपना गेम ओपन करो। आपने आई होप कि देखा होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको अगेन देख सकते हो, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार आप इसको देखते रहो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना मेन्यू ओपन किया, उसके बाद में मैंने फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने एक हेलीकॉप्टर मंगवा के, एंड इस हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ पे मैंने ऊपर जो कैमरा वाला बटन है, जहाँ से हम अपना कैमरा स्विच करते हैं, वहाँ पे दबाने के बाद भी आप देखोगे तो मेरा जो यहाँ पे कैमरा है वो FPP के ऊपर स्विच हो चुका है, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यानी कि मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ FPP के अंदर, एंड मैं लेफ्ट राइट भी यहाँ से मूव कर सकता हूँ जो है कैमरा का बटन दबा करके। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज हेलीकॉप्टर उड़ाने में फर्स्ट पर्सन, लाइक अगर आप अपने किसी फ्रेंड को दिखाते हो ये चीज़ तो लाइक उसको वो बहुत ही ज़्यादा OP लगेगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप थोड़ा सा रेड बटन देखोगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो गेम है वो TPV के ऊपर स्विच हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं बता दूं कि जब भी आप कोई भी गाड़ी में बैठते हो, उससे पहले आपको अपना मेन्यू ओपन करके और आपको फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो है इजीली फर्स्ट पर्सन हो जाए। वरना अगर आप वो नहीं करते हो हर गाड़ी में बैठने से पहले, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप गाड़ी चेंज करते हो,
जो भी कार आप चेंज करते हो, तो उससे पहले आपको जो है फर्स्ट पर्सन को जो है आपको अपना मेन्यू ओपन करके वहाँ पे जो है एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। सो आई होप कि ये इंस्टॉलेशन आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट के अंदर, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन जरूर मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आप नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल नोटिफिकेशन को जैसे ही दबाओगे, तो जब भी मैं ऐसे ऐसे नए नए मोड अपलोड करूंगा, उनकी नोटिफिकेशन आपको अपने फोन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing.